बात ना करने से ताल्लुक नहीं टूटते, ताल्लुक तब टूटता है जब दिल को एक दूसरे के बगैर सब्र आ जाए। अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता, लेकिन वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। लहजे समझ में आ जाते हैं, बस मुझे लोगों को शर्मिंदा करना अच्छा नहीं लगता। बाजार से सब मिल जाता है, माँ जैसी जन्नत और बाप जैसा साया नहीं मिलता। कभी कभी अपनों से ऐसा दर्द मिलता है कि आंसू तो पास होते हैं मगर रोया नहीं जाता। मोहब्बत की कश्ती में सोच समझकर सवार होना, जब ये चलती है तो किनारा नहीं मिलता और जब ये डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब हम रूठ जाएं तो कोई मनाने वाला हो। फासलों को आपस में कभी इतना ना बढ़ने दें कि दरवाजे खुले भी हों लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाजा खटखटाना पड़े। रिश्ता बनाओ तो आंखों और पलकों जैसा, जब आंख में कुछ चला जाए तो पलकें तड़प उठती हैं और जब पलकें कुछ देर ना झपकें तो आंखें रो पड़ती हैं। किसी दूसरे बंदे के दर्द को समझने के लिए पहले खुद में दर्द का होना जरूरी है। वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, वक्त खराब हो तो आपका मजाक भी गलती बन जाता है। जब ठोकर खा कर भी ना गिरो तो समझ लो दुआ ने थाम लिया है। दुनिया की भीड़ में चाहे इंसान सब कुछ भूल जाए, कितनी ही मौज मस्ती में खो जाए, पर अकेले वो उसे ही याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है। सिर्फ एक गलती हो जाने से लोग ये भूल जाते हैं कि आप उससे पहले कितने बेहतरीन और अच्छे इंसान थे। इंसान के हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी उसके साथ अच्छे हो जाते हैं। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, जरूरत से नहीं। बाज़ औक़ात इंसान मेहनत करके इतना नहीं थकता जितना किसी का बेपरवाह रवैया दिल को थका देता है। जिंदगी में बस इतनी सी दुआ मांग लेना, कोई घर माँ के बिना ना हो और कोई माँ बिना घर के ना हो। खुशियां बांटने की कोशिश किया करो, नफरतें तो वैसे ही अरूज पर हैं।